नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे ऑफिशियल यूट्यूब चैनल GSY नीरज सर में। कैसे हैं आप सब? मैं आशा करता हूँ स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और आप सभी लोग अपनी तैयारी में पूरी ईमानदारी के साथ व्यस्त होंगे। तैयारी आप मित्रों UPP की कर रहे हैं, आप एक दिवसीय परीक्षा में किसी भी की तैयारी कर रहे हैं जिसमें GS पूछा जाता है, जनरल स्टडीज़, हिस्ट्री, पॉलिटी, इकोनॉमी, ज्योग्राफी, साइंस, करंट अफेयर्स, UP स्पेशल, इनकी तैयारी में अगर लगे हुए हैं तो ये क्लास आपके लिए होने वाली है। आज जो UPP खास है, GS का प्रैक्टिस पेपर है, ये 6 नंबर का है। इससे पहले 5 प्रैक्टिस पेपर हो चुके हैं मित्रों लगातार एग्जाम के लिए, तो हमें उम्मीद है आप लोग वो सारे प्रैक्टिस पेपर देखे होंगे। अगर नहीं देखे हैं, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसकी लिंक दी गई है, आप उन्हें खोल करके देख लीजिए और अपनी तैयारी परख लीजिएगा। आइए क्लास स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन कह रहा है, किस तारीख को गांधी जी ने दांडी यात्रा शुरू की थी? नाम 10 मार्च 1930 का है, 11 मार्च 1930 का है, 12 मार्च 1930 का है और 13 मार्च 1930 का नाम दिया गया। गांधी जी ने दांडी यात्रा शुरू की थी, आपसे पूछा जा रहा है कब शुरू की मित्रों, तो ये 12 मार्च की डेट होती है, 1930 सन होता है। तो राइट आंसर्स आपको यहाँ पे सी के साथ फाइनली लगाना है, सी इज द राइट आंसर्स बना लेना है। आगे चलेंगे, दूसरा क्वेश्चन चलेगा, निम्नलिखित में से कौन सी कृष्णा नदी की सहायक नदी नहीं है? नाम घटप्रभा का दिया गया, वेन्ना का दिया गया, पंचगंगा का दिया गया और कोयना का नाम आपके स्क्रीन पे है। कृष्णा की सहायक नदी इसमें से कौन सी नहीं है? तो सभी विकल्पों को पढ़ने के बाद आप कोयना आंसर्स लगाइएगा, राइट आंसर्स आपका डी के साथ बनेगा मित्रों, डी इज़ द राइट आंसर्स हो जाएगा। अगला क्वेश्चन 3 नंबर आएगा, प्रश्न संख्या 3 की बारी है। पूछा गया, निम्नलिखित में से रासायनिक तत्वों का कौन सा जोड़ा और उनके प्रतीक जो है वो गलत है? नाम फास्फोरस का पी दिया गया, लोहा का एफ ई दिया गया, पोटेशियम का PO दिया गया और आयोडीन का I दे दिया गया। आपसे पूछा जा रहा है रासायनिक तत्व है, उसका नाम लिखा है, उसका प्रतीक चिन्ह है, कौन सा गलत है? तो पोटेशियम का लिखा हुआ है, PO यही गलत है, बाकी ऑप्शन एकदम फिट है। राइट आंसर बी के साथ लगा लो। अगला क्वेश्चन 4 नंबर आएगा मित्रों, प्रश्न संख्या 4 की बारी है। आपसे कह रहा है, अवध अंग्रेजों के अधिकार में कब आया? अवध बेल्ट को अंग्रेजों ने क्या 18 दिसंबर 1857 को अपने अधिकार क्षेत्र में ले लिया, 17 फरवरी 1857 को अपने अधिकार क्षेत्र में ले लिया, 6 दिसंबर 1857 को लिया या फिर 10 जुलाई 1857 को अपने अधिकार क्षेत्र में ले लिया? अवध को अंग्रेजों ने अपने क्षेत्र में जो अधिकार क्षेत्र में लिया वो 6 दिसंबर 1857 को ले पाए। राइट आंसर सी के साथ बनेगा मित्रों, सी इज द राइट आंसर आपको यहाँ पे लगाना पड़ा, सी इज द राइट आंसर लगा लो। अगला क्वेश्चन 5 नंबर आएगा। पूछा गया, वाराणसी घराने की गायकी का जनक किसे माना जाता है? नाम हुसैन खां का है, वाजिद अली शाह का है, पंडित बड़े रामदी जास मिश्रा, राम दास जी मिश्रा हैं और पंडित राम शाह का नाम दे दिया गया। वाराणसी घराने के गायकी के जनक जो है वो कौन माने जाते हैं? तो पंडित साहब हैं बड़े रामदास जी मिश्रा, सही जवाब है मित्रों। राइट आंसर्स आप यहाँ पे सी के साथ लगाओ, सी इज़ द राइट आंसर्स बनाओ। अगला क्वेश्चन आपका आएगा जो 6 नंबर होगा, बहुत प्यारा क्वेश्चन है मित्रों, खनिज आवश्यकता और उसका युग्म कह रहा है, कौन सा युग्म सही है? ऑप्शंस में दिया गया आयरन, हीमोग्लोबिन का निर्माण और सोडियम थायराइड की समुचित कार्य करना। आपसे पूछा गया कौन सा सही है? ना तो एक ना ही दो ऐसा नहीं है, केवल दो नहीं ऐसा नहीं है, एक और दो दोनों ऐसा भी नहीं है। यहाँ पे केवल आयरन हीमोग्लोबिन का निर्माण जो लिखा है वो सही है, इसलिए हमें डी के साथ गोला काला करना है, डी इज़ द राइट आंसर लगाना है। आगे चला जाए मित्रों, 7 नंबर क्वेश्चन आता है, प्यारा क्वेश्चन है, गहरा, स्वतंत्र भारत के प्रथम प्रधानमंत्री किस प्रदेश से थे? नाम दिया गया गुजरात प्रांत से थे, उत्तर प्रदेश से थे, महाराष्ट्र थे या फिर पंजाब से रहे हैं। स्वतंत्र भारत के पहले प्रधानमंत्री जो बनते हैं उनका जो क्षेत्र होता है मित्रों वो आप जानते हैं कि उत्तर प्रदेश होता है, तो आप राइट आंसर्स उत्तर प्रदेश लगाओ, सी के साथ आंसर्स बनाओ। और आगे चला जाएगा, 8 नंबर क्वेश्चन आता है, आपसे पूछा जा रहा है, जैन विद्या शोध संस्थान उत्तर प्रदेश में किस नगर में है? नाम सहारनपुर का है, लखनऊ का है, मेरठ का है और आगरा का नाम दिया गया। जैन विद्या शोध संस्थान जो है उत्तर प्रदेश के कौन से नगर में है पूछा जाए, तो जब नगर की बारी आए तो आप राइट आंसर्स अपना राजधानी क्षेत्र लगाओ, लखनऊ आंसर्स लगाओ, सी इज़ द राइट आंसर्स बना लो मित्रों,
आगे चलेंगे, अगला क्वेश्चन आएगा, 9 नंबर होगा, बहुत प्यारा क्वेश्चन है। एक स्वस्थ मनुष्य का रक्तचाप जो है वो होता है 90/60 होता है, 200/130 होता है, 120/80 होता है, या फिर 140/160 होता है। कोई स्वस्थ मनुष्य है उसका जो रक्तचाप होगा मित्रों, वो रक्तचाप 120/80 होता है। तो आप राइट आंसर बी के साथ लगाओ, बी इज द राइट आंसर बनाओ। आगे चला जाए, 10 नंबर क्वेश्चन आता है, इनमें से कौन सा ऊष्मा का मात्रक नहीं है। नाम कैलोरी का दिया गया, जूल का दिया गया, डिग्री सेल्सियस का दिया गया और किलो कैलोरी का नाम दे दिया गया। कौन जो है वो ऊष्मा का मात्रक नहीं है, तो ऊष्मा का मात्रक नहीं है मित्रों, वो आपका डिग्री सेल्सियस है। सही जवाब बी के साथ बनेगा, बी इज़ द राइट आंसर लगा लेंगे। अगला क्वेश्चन देखेंगे, 11 नंबर होगा आपकी स्क्रीन पर है, प्रश्न संख्या 11 की हम बात करते हैं। संगीत के दिग्गज पंडित रविशंकर संगीत की निम्नलिखित में से किस शैली के लिए प्रसिद्ध हैं। नाम कर्नाटक शास्त्रीय वादन का है, कर्नाटक शास्त्रीय गायन का है, हिंदुस्तानी शास्त्रीय गायन का है और हिंदुस्तानी शास्त्रीय वादन का नाम दिया गया। संगीत के दिग्गज हैं पंडित रविशंकर नाम होता है, उनका संबंध पूछा जाता है किससे संबंध है, तो हिंदुस्तानी शास्त्रीय वादन से उनका संबंध है। राइट आंसर आप डी के साथ लगाओ, डी इज़ द राइट आंसर बनेगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे, 12 नंबर आएगा आपसे, कह रहा है खिचड़ी, उत्तरायण और लोहड़ी किस त्यौहार के भिन्न भिन्न नाम है। नाम होली का है, दशहरा का है, गणेश चतुर्थी का और मकर संक्रांति का नाम दे दिया गया। खिचड़ी, उत्तरायण और लोहड़ी जो है ये किस त्यौहार के नाम होते हैं, तो इनके लिए मकर संक्रांति एकदम परफेक्ट नाम बैठेगा। राइट आंसर्स आप डी के साथ लगाएंगे, डी इज़ द राइट आंसर्स बनाएंगे। आगे चला जाएगा, 13 नंबर क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे आता है, पूछा गया निम्नलिखित में से कौन सा युग्म जो है वो सही सुमेलित है। नाम असम का बिहू है, उड़ीसा का भरतनाट्यम है, तमिलनाडु का लावणी है और कर्नाटक का कथक दिया गया। कौन सा युग्म आपका सही सुमेलित है मित्रों, तो असम का बिहू जो है एकदम राइट मिलान के साथ है, इसलिए राइट आंसर्स की बारी आए तो आप फर्स्ट के साथ आंसर्स लगाना, ए इज़ द राइट आंसर्स यहाँ पे बना लेना। और आगे चला जाएगा, अगला क्वेश्चन 14 नंबर आएगा आपसे, कह रहा है मित्रों भारत के नए विदेश सचिव के रूप में किसे नियुक्त किया गया। विनय मोहन क्वात्रा को, वर्धन श्रृंगला को, देवाशीष पांडा को या फिर विकास कुमार को। आपसे कह रहा है भारत के नए विदेश सचिव के रूप में किसे नियुक्ति मिली है, तो विनय मोहन क्वात्रा एकदम राइट आंसर्स हैं, इसलिए जब सही जवाब की बारी आए तो आप फर्स्ट के साथ आंसर्स लगाओ, ए इज़ द राइट आंसर्स बनाओ। आगे चला जाए, पूछा गया विश्व प्रसिद्ध जो है विश्व का प्रकृति संरक्षण दिवस, प्रकृति को हमें संरक्षित करना है, उसके लिए जागरूक करना है, उसका दिवस मनाया जाता है, वो 15 अगस्त है, 27 जून है, 28 जुलाई है या फिर 25 मार्च का नाम दे दिया गया। विश्व का प्रकृति संरक्षण दिवस जो मनाया जाता है मित्रों, वो 28 जुलाई को मनाया जाता है, तो आप राइट आंसर्स 28 जुलाई लगाओ, बी के साथ आप राइट आंसर्स बनाओ। आगे चला जाए तो अगला क्वेश्चन आता है आपकी स्क्रीन पे है, 16 नंबर आपसे कह रहा है, हाल ही में किस देश की कम्युनिस्ट पार्टी ने अपना 100वां स्थापना वर्ष मनाया। नाम भारत का है, जापान का है, चीन का है और ताइवान का नाम दिया गया। कहाँ की कम्युनिस्ट पार्टी ने अभी अपना 100वां स्थापना दिवस मनाया है मित्रों, तो चीन की पार्टी है, कम्युनिस्ट पार्टी है। राइट आंसर आप बी के साथ लगाना, 100वां स्थापना दिवस मना चुकी, बी इज़ द राइट आंसर बन जाएगा। आगे चला जाएगा, 17 नंबर क्वेश्चन आता है, भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन का मुख्यालय जो है वो कहाँ स्थित है। नाम नई दिल्ली का है, बेंगलुरु का है, मुंबई और कोलकाता का नाम दिया गया। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन का जो हेडक्वार्टर है, मुख्यालय है, वो कहाँ पे है मित्रों, तो बेंगलुरु में है। राइट आंसर बेंगलुरु बनेगा, सी के साथ सही जवाब बन जाएगा। और आगे चलेंगे, अगला क्वेश्चन आपका आता है, 18 नंबर है, संविधान के निम्नलिखित संशोधनों में से किसके द्वारा दिल्ली को राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र यानी NCT का दर्जा दिया गया। नाम 74वां संविधान संशोधन अधिनियम का है, 69वां संविधान संशोधन अधिनियम का है, 63वां संविधान संशोधन अधिनियम का है और 76वां संविधान संशोधन अधिनियम का नाम दिया गया। संविधान के निम्नलिखित संशोधनों में से किसके द्वारा जो है दिल्ली को राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र का दर्जा दिया गया था, तो संविधान संशोधन 69वां हुआ, उसमें NCR की जो है आपका राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र बनाया गया, NCT। सही जवाब जो है 69वां संविधान संशोधन अधिनियम लगाओ, बी के साथ आंसर्स बनाओ। अगला क्वेश्चन 19 नंबर आता है, पूछा गया संविधान के निम्नलिखित संशोधनों में से किसके द्वारा नागरिकों के मौलिक कर्तव्यों को भारत के संविधान में जोड़ दिया गया था।
ना 35वां संविधान संशोधन अधिनियम का है, 36वां संविधान संशोधन अधिनियम का है, 42वां संविधान संशोधन अधिनियम का है और 44वां संविधान संशोधन अधिनियम का नाम दे दिया गया। आपसे पूछा गया संविधान का कौन सा संशोधन है जिसमें आपको ऐसा जोड़ा गया मित्रों, तो उसके लिए राइट आंसर 42वां संविधान संशोधन अधिनियम बनता है। सही जवाब हमारा सी के साथ बन जाता है, सी इज द राइट आंसर लगाते हैं। आगे चलते हैं, 20 नंबर क्वेश्चन आता है। पूछा गया निम्नलिखित में से किस देश की सीमा जो है वो मेघालय से जुड़ती है, नाम भूटान का है, म्यांमार का है, नेपाल और बांग्लादेश का नाम दिया गया। किस देश की सीमा मेघालय से जुड़ती है मित्रों, तो मेघालय से बांग्लादेश जुड़ता है, याद रखना बांग्लादेश आपके मेघालय से जुड़ता है, मेघालय से आपका बांग्लादेश जुड़ता है, त्रिपुरा भी आपके मेघालय जो है बांग्लादेश से जुड़ता है, और उसके साथ जो असम का बेल्ट है वो सिलचर वाला वो अला बेल्ट भी आपके बांग्लादेश से जुड़ता है, याद रखना। आगे चला जाए, 21 नंबर क्वेश्चन आता है। पूछा गया बिहार के प्रथम भारतीय गवर्नर कौन थे, श्री कृष्ण सिंह थे, ब्रजकिशोर प्रसाद थे, जयराम दास दौलत राम थे या फिर सत्येंद्र प्रसन्न सिन्हा रहे हैं। आपसे बिहार के प्रथम भारतीय गवर्नर का नाम पूछा गया मित्रों, तो बिहार के पहले और भारतीय गवर्नर जो रहे हैं वो जयराम दास दौलत राम रहे हैं। राइट आंसर्स आपको यहाँ पे सी के साथ लगाना पड़ेगा, सी इज द राइट आंसर देना पड़ेगा। अगला क्वेश्चन 22 नंबर है। निम्नलिखित में से कौन सा देश G8 का सदस्य नहीं है, आपसे पूछा गया USA, जर्मनी, UK और रूस। कौन सा देश G8 का सदस्य नहीं है मित्रों, आपसे पूछा जाए G8 का सदस्य कौन सा नहीं है। चारों ऑप्शंस पढ़ने के बाद रूस को आंसर देना, डी के साथ आप सही जवाब बना लेना, डी इज द राइट आंसर आएगा। 23 नंबर क्वेश्चन पे चलेंगे। उस देश का नाम बताइए जिसकी मुद्रा जो है वो रुपया नहीं है, पूछा गया नेपाल, श्रीलंका, पाकिस्तान, म्यांमार। कहाँ का जो फाइनली मुद्रा है वो रुपया नहीं है मित्रों, तो सही जवाब म्यांमार का बनेगा, याद रखना म्यांमार का रुपया नहीं है, सही जवाब आप डी के साथ लगा लो। अगला क्वेश्चन हम 24 नंबर देखेंगे। आपसे कह रहा निम्नलिखित में से किस शहर में महाराजा जयसिंह द्वितीय ने जंतर मंतर का निर्माण नहीं किया था, नाम जयपुर का है, इलाहाबाद का है, दिल्ली और वाराणसी का नाम दिया गया। कौन से शहर में महाराजा जयसिंह द्वितीय ने जंतर मंतर का निर्माण नहीं किया था आपसे पूछा गया, तो आप जब सही जवाब की बारी आएगी इलाहाबाद आंसर्स लगाइएगा, सी इज द राइट आंसर्स फाइनली बनाइएगा। और आगे चला जाए, 25 नंबर क्वेश्चन आता है। आपसे क्या कह रहा है मित्रों, आपसे कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा राज्य पाकिस्तान की सीमा से सटे हुए हैं, उनके बारे में आपको बताना है। अब उनके बारे में अगर देखा जाए तो आप जानते हैं पाकिस्तान से सीमा किसका लगता है, गुजरात का लगता है ना, हाँ लगता है। इसके साथ क्या लगेगा, पंजाब, पंजाब भी लगेगा, और उसके साथ क्या लगेगा मित्रों, राजस्थान का भी लगेगा, लेकिन पाकिस्तान से हरियाणा नहीं लगता, याद रखना। अब ऑप्शंस देखते हैं, ABD नहीं होगा, DCA ये भी नहीं होगा, BAD ये भी नहीं होगा, और जो आंसर है ABC होगा। राइट आंसर हमें बी के साथ गोला काला करना पड़ेगा, बी इज़ द राइट आंसर्स बनाना पड़ेगा। और आगे चला जाए मित्रों, अगला क्वेश्चन आपका 26 नंबर आता है। पूछा गया लद्दाख किसके बीच स्थित है, लद्दाख शिवालिक और जास्कर पर्वत के बीच है, काराकोरम श्रृंखला और जास्कर पर्वत के बीच है, मध्य हिमालय और शिवालिक के बीच है, या फिर वृद्ध हिमालय और शिवालिक के बीच है। लद्दाख की अगर बात आती है मित्रों तो काराकोरम श्रृंखला और जास्कर पर्वत के बीच है। राइट आंसर्स बी के साथ लगाओ, बी इज़ द राइट आंसर्स बनाओ। अगला क्वेश्चन आपका 27 नंबर आता है, आपके स्क्रीन पे है। कह रहा है 2011 की जनगणना के अनुसार भारत के किस राज्य में सबसे निम्न लिंगानुपात है, यानी 1000 पुरुषों में महिलाओं की संख्या सबसे कम है, नाम हरियाणा का है, महाराष्ट्र का है, उत्तराखंड का है और बिहार का नाम दे दिया गया। लिंगानुपात जो सबसे कम है मित्रों वो हरियाणा का है, तो आप राइट आंसर से हरियाणा के साथ लगाओ, ए इज़ द राइट आंसर्स बनाओ। और आगे चला जाएगा, अगला क्वेश्चन आपका 28 नंबर आ जाता है। पूछा गया भारत ने किस वर्ष में ग्रामीण गारंटी रोजगार योजना अधिनियम के पूर्व पद में महात्मा गांधी जोड़ दिया था, यानी नरेगा में महात्मा कब आया था, बस ये पूछा गया 2007 में, 2008 में, 2012 में या फिर 2009 में। तो मित्रों याद रखना है नरेगा में जो महात्मा शब्द आता है वो फाइनली आपके 2009 में आता है। राइट आंसर डी के साथ बनेगा, डी इज द राइट आंसर्स लगाओ। 29 नंबर क्वेश्चंस पढ़ते हैं। निम्नलिखित में कौन सा यूपी पुलिस विभाग का चयन प्रक्रिया के चरण का एक हिस्सा नहीं है, नाम दिया गया शारीरिक परीक्षण का, शैक्षणिक योग्यता का, आयु पत्रता का और भाषा परीक्षण का। यूपीपी में क्या
प्रक्रिया जो है नहीं है, चयन प्रक्रिया में क्या शामिल नहीं है। यहाँ भाषा परीक्षण का कोई मतलब ही नहीं है। राइट आंसर साहब यहाँ पे जो है वो डी के साथ लगाओ, डी इज़ द राइट आंसर फाइनली बना। और सभी मांगा जाएगा, शारीरिक परीक्षण होगा, शैक्षणिक योग्यता होगी, आयु सीमा होगा, लेकिन भाषा परीक्षण के बारे में नहीं पूछा जाएगा। आगे चला जाता है, 30 नंबर क्वेश्चन आता है, निम्नलिखित में से किस देश के पास यूरेनियम का विश्व का सबसे बड़ा भंडार है। यूरेनियम का सबसे बड़ा भंडार रूस में है, ऑस्ट्रेलिया में है, कजाकिस्तान में है या फिर जॉर्डन में है। आपसे पूछा गया यूरेनियम का सबसे बड़ा जो भंडार है वो कहाँ पे है मित्रों, तो यूरेनियम का सबसे बड़ा भंडार जो होता है वो आपके ऑस्ट्रेलिया में होता है। राइट आंसर आपको सी के साथ देना है, सी इज़ द राइट आंसर फाइनली लगा लेना है। आगे चलेंगे, 31 नंबर क्वेश्चन आएगा आपकी स्क्रीन पे है, केरल के सर्वोच्च फिल्म पुरस्कार जेसी डेनियल अवार्ड 2022 से किसे सम्मानित किया गया। नाम रमेश कुंडला का है, राजेश तलवार का है, केपी कुमारानी का है और आलोक चक्रावली का नाम दे दिया गया। केरला का सर्वोच्च फिल्म पुरस्कार है जेसी डेनियल अवार्ड 2022, वो पूछा गया किसे मिला, तो केपी कुमारानी सही जवाब है, सही जवाब आपको सी के साथ लगाना है, सी इज़ द राइट आंसर्स लगा लो। अगला क्वेश्चन 32 नंबर आएगा, द्रोणाचार्य सम्मान किसे दिया जाता है, सर्वोच्च पहलवान को, सर्वोच्च बल्लेबाज को, सर्वोच्च टेनिस खिलाड़ी को या फिर सर्वोच्च प्रशिक्षक को। जो द्रोणाचार्य का सम्मान होता है मित्रों वो आपके सर्वोच्च शिक्षक हैं, जो सबसे बढ़िया योगदान देंगे उनको मिलता है, प्रशिक्षक को मिलता है, तो सही जवाब डी के साथ लगाओ। और जो अर्जुन अवार्ड होता है मित्रों वो आपके सबसे बढ़िया वाले खिलाड़ी को मिलता है, तो सही जवाब यहाँ डी के साथ लगाओ। अगला क्वेश्चन 33 नंबर देखा जाए, कह रहा है स्कूल ऑफ एमिनेशंस परियोजना किस राज्य सरकार द्वारा शुरू की गई है। स्कूल ऑफ एमिनेंस परियोजना किस राज्य सरकार द्वारा शुरू की गई। नाम हरियाणा का है, महाराष्ट्र का है, उत्तराखंड और पंजाब का नाम दिया गया। आपसे पूछा गया तो राइट आंसर्स पंजाब लगाओ मित्रों, डी के साथ आप आंसर्स बनाओ। अगला क्वेश्चन 34 नंबर आएगा, आपसे पूछा जा रहा है फेसबुक एक डाटा डाट है। फेसबुक क्या है मित्रों, ब्राउजर है, सोशल नेटवर्क साइट है, सर्च इंजन है या फिर इंटरनेट सेवा प्रदाता है। फेसबुक की अगर बात होती है मैक्सिमम लोग चलाते हैं, ये सोशल नेटवर्क साइट होती है मित्रों, तो राइट आंसर आप सोशल नेटवर्क साइट के साथ देना, बी इज़ द राइट आंसर फाइनली लगाना। आगे चला जाएगा, अगला क्वेश्चन आता है आपसे, कह रहा है निम्नलिखित में से किस भारतीय राज्य में विटीकल्चर से सबसे अधिक उत्पादन होता है। नाम उत्तर प्रदेश का है, महाराष्ट्र का है, जम्मू एंड कश्मीर और बिहार का नाम दिया गया। विटीकल्चर का मैक्सिमम उत्पादन करने वाला जो राज्य होगा अंगूर खेती के लिए वो आपका महाराष्ट्र होगा मित्रों, तो राइट आंसर्स आप बी के साथ लगाओ, बी इज़ द राइट आंसर्स बनाओ। अब बारी आएगी मित्रों कि इन 35 क्वेश्चंस के आज के टेस्ट में आपका स्कोर क्या रहा है, ईमानदारी के साथ बताइएगा। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करिएगा, बेल आइकन जरूर प्रेस करिएगा जिससे नोटिफिकेशन समय से मिले और आप चैनल का भरपूर लाभ समय से ले सकें। मिलते हैं शुरू में, तब तक के लिए दिल से सैल्यूट, जय हिंद।